उनका कलेक्शन लेकर आया हूँ। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? तो डेविड हेयर ने 1870 में 1817 में 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। डेट क्या थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अकबर नामा किसने लिखी है? अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईने अकबरी का लेखक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस सन में हुई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेकेंड ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके पास में, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 12 अगस्त 1756 में इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1756 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में किसका अपराध सबसे अधिक उल्लेखित किया गया है? तो ऋग्वेद में पशुओं की चोरी के बारे में सबसे अधिक उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46×10^12 किलोमीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिताजी को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। और सीसा को लैटिन भाषा में किस अक्षर से संकेत करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे पारा को एचजी लिखते हैं, सिनेबार को एचजीएस लिखते हैं, वैसे सीसा को क्या लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल क्या है? तो बहुत सारी फसल हो सकती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेंगे आंसर। यहां पर एक फसल में मक्का बता देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है, गदर पार्टी के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये बताइए, इस साल चंद्रमा पर मानव के पहुंचने के कौन से साल को सेलिब्रेट किया गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, जाकिर हुसैन का मकबरा किससे संबंधित है? सॉरी माफ करिएगा, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन से संबंधित है, क्षमा करिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड या उत्तराखंड में स्थित है, जिसको पहले उत्तरांचल बोला जाता था। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो 1985 में दल बदल कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह के रात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है। इसके ऊपर मूवी भी आई है, शायद आपने देखी होगी। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है पश्मीना नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के पुष्कर में, जयपुर के पास में पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेले में कौन से जानवरों को मेनली एक प्रकार से कहें तो खरीदा या बेचा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? तो 22 सितंबर को दिन बराबर होते हैं और 21 मार्च को रात बराबर होती है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसकी विजय में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं बीच बीच में क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूँ, थोड़ा सा आपको भी आंसर देने की हैबिट रहेगी तो आपका भी मन लगा रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो मैं पूछता हूँ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करा करिए। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। इससे क्या आपकी एक्टिवनेस का पता चलता है कि आपका लेवल कितना आपने सेट कर रखा है, कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल जो है अक्टूबर नवंबर के मध्य में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? तो बैरम खान अकबर का बॉडीगार्ड ही कह लें, उसके लिए एक प्रकार से संरक्षक बनकर 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी अकबर के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। कब बना था तेलंगाना भारत का 29वां राज्य? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस सन में बना था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 में छोड़ा गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंतनगर में स्थित विश्वविद्यालय है जो कि 1960 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 में बना, कहां पर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में सबसे लंबा बांध है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत की पहली ट्रेन कहां चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी।